जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज की यह कहानी बताती है कि पर निंदा के क्या दुष्परिणाम होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखना है, बड़ी ही रोचक कहानी है और आपको अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो राजा प्रथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आ गया, भिक्षाम देही। अब राजा ने देखा कि सुबह सुबह ही साधु भिक्षा मांगने आ गया। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते हुए देखकर राजा प्रथु बेहद क्रोध में भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उस साधु के पात्र में डाल दी। लेकिन साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साधु बेहद शांत स्वभाव का था, उसने भिक्षा ली और आगे चला गया। साधु जब अपनी कुटिया पर गया तो लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। समय बीतता चला गया। कुछ समय बाद राजा प्रथु जब शिकार के लिए जंगल में गए तो प्रथु ने देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, वहां उसे कोई घोड़ा नजर नहीं आया। उन्होंने देखा ना तो वहां कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़ा ही दिखाई दे रहा है। अब राजा आश्चर्यचकित हो गया, इतनी सारी लीद कहाँ से, आखिर कहाँ से इतनी सारी लीद आई। आश्चर्यचकित होकर राजा कुटिया में चला गया। कुटिया में वही साधु बैठा था, मगर राजा ने उसे पहचाना नहीं। आश्चर्यचकित होकर राजा साधु से बोला, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा नहीं है, ना ही कोई तबेला है, तो फिर आखिर इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई। साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है, अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा प्रथु को पूरी घटना याद आ गई। वो साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उन्होंने साधु से फिर प्रश्न किया, महाराज, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वो दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास ही लौट कर आता है, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा प्रथु की आंखों में आंसू भर आए। वो साधु से विनती करने लगे, बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुख भरी हालत को देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है, आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो मगर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा, आपका अपराध निंदा करने वाले के हिस्से में चला जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा प्रथु अपने महल में आ गए। महल में आकर उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग राजा की निंदा करने लगे, देखो देखो कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या ये शोभनीय है, सुबह सुबह शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठा है, किसी ने क्या निंदा की। निंदा की प्रवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। उन्होंने शराब पी नहीं मगर वो अभिनय कर रहे थे। और इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा प्रथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद दिखाई दी। एक मुट्ठी लीद को देखकर राजा आश्चर्य से बोले, महाराज, यह कैसे हुआ, इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया। साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस कर भुगते हैं या फिर रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट कर वापस आएगा। दोस्तों, हम जाने अनजाने में अपने आसपास के व्यक्तियों की निंदा करते रहते हैं जबकि उसका कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। जब हमें उनकी वास्तविक परिस्थितियों का तनिक भी जरा सा भी ज्ञान नहीं होता है, फिर भी हम जाने अनजाने में अपने आसपास के व्यक्तियों की निंदा करते रहते हैं। निंदा करने का स्वाद बहुत ही रुचिकर होता है और इसीलिए लगभग हर व्यक्ति इसका स्वाद लेने के लिए आतुर रहता है। आपने भी कई बार
बेवजह ही किसी की निंदा की होगी। वास्तव में निंदा एक ऐसा मानवीय गुण है जो सभी व्यक्तियों में थोड़े थोड़े मात्रा में अवश्य पाया जाता है, लेकिन यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि पर निंदा का परिणाम कितना भयानक होता है, तो आप और हम इस पाप से आसानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा, हमें अपने किए गए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो इस बार जब निंदा करें तो इस वीडियो में बताई गई कहानी को जरूर से याद कर लेना। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।